साथ मैं हूं सोनिया खान। नाज़रीन, वज़ीरे आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी का जो एक तारीखी मंसूबे का आगाज़ किया था उसके समरात आना सामने हो गए हैं। गुज़श्ता रोज़ की मैं बात करूंगी कि एक लड़की 20 साल लड़की जिसको घर में कैद किया गया था कि पसंद की शादी करने पर उसको घर में कैद किया गया था, उसने पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी से किस तरह हेल्प ली। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के वुमेन सेफ्टी ऐप के ज़रिए उसने चैट का इस्तेमाल करते हुए पुलिस की हेल्प ली। वुमेन सेफ्टी ऐप पे जैसे शिकायत दर्ज होते साथ ही पुलिस ने फौरन एक्शन लिया और ननकाना साहब के इलाके में पहुंच गई। जब लड़की से वहाँ जाके बातचीत की तो लड़की एक दफ़ा अपने घर वालों के सामने पजल हो गए, लेकिन खातून ऑफिसर ने लड़की को एतमाद में लेते हुए सारा मामला पूछा तो लड़की ने बताया कि वो पसंद की शादी करने पे अपने घर में कैद है और यहाँ तक कि उस लड़की को एक दो दफ़ा गंदम में रखने वाली गोलियाँ भी दी गई थी कि अच्छी किस्मत के वो बच गए। लड़की का कहना था कि मुझे अभी भी मारने की धमकियाँ दी जाती हैं और मारने की कोशिश की जाती है। इस पर पुलिस ने फौरन कार्रवाई को मुमकिन बनाया और लड़की को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया और सारी कानूनी कार्रवाई करके और उसके बाद जो है उसको दारुल अमान में जाके दाखिल करवाया। तो ये एक मरियम साहिबा का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि वुमेन सेफ्टी ऐप, हम वुमेन सेफ्टी ऐप का इस्तेमाल भी आपको बताएंगे कि वुमेन सेफ्टी ऐप के कौन कौन से फ़ीचर हैं, प्ले स्टोर से किस तरह आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, किस तरह उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारी तफसीलात इसी वीडियो में आपको बताएंगे। उसके अलावा मैं इसमें एक बात इंक्लूड करना चाहूँगी, पैनिक बटन। वो ख़वातीन जो जॉब के सिलसिले में घर से निकलती हैं, ख्वाह वो मुख्तलिफ दफातर में जॉब करती हैं या वो बच्चियाँ जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, तो उनके साथ बाज़ दफ़ा इस तरह के मामलात पेश आते हैं कि वो हेल्प नहीं ले सकती, उनके पास मोबाइल फ़ोन ही होता। तो शहर लाहौर की मुख्तलिफ शहराओं पर नस्ब किए गए ये रेड कलर के बटन, आपको मेरा कैमरा मैन दिखा सके, तो पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी का ये रेड कलर का जो आपको बॉक्स नज़र आ रहा है इसको हम पैनिक बटन कहते हैं। पैनिक बटन का काम क्या है, आपके साथ कोई किसी किस्म की आपको किसी ने हरासा किया है, आपके बैग की स्नैचिंग हो गई है, आपके मोबाइल फ़ोन की स्नैचिंग हो गई है, किसी वजह से आप अपने प्यारों से राबता नहीं कर सकते, तो उस वक्त जो है ये पैनिक बटन रेड कलर का बॉक्स आपके काम आ सकता है। ये कैसे, अगर मेरा कैमरा मैन आपको जूम करके दिखा सके तो ये रेड कलर के बॉक्स में एक बटन लगा हुआ है जिसको जैसे ही आप पुश करेंगे तो फौरन जो है पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के अफसरान को कॉल मिल जाएगी और फौरन एक जो है ना वो टीम फौरन से आपकी हेल्प के लिए पहुंच आएगी। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी की टीम आपको देख सकती है कि आप शहर लाहौर की किस शराह पर खड़े हैं। तो ये मरियम नवाज़ का एक बड़ा पॉजिटिव और बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। इसी तरह जो है वो वाईफाई भी प्रोवाइड की गई है, तो पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी को अगर हम देखें तो वो 24 घंटे जो है वो बरवक्त कार्रवाई करती है और 24 घंटे अलर्ट रहती है। किसी किस्म की भी किसी लड़की के साथ कोई वाकया पेश आ जाता है, कोई उसको हरासा कर रहा है, बाज़ दफ़ा लड़कियां जिस तरह पहले मैंने आपको एक वाकया बताया कि एक लड़की को घर में कैद किया गया था, इसी तरह और लड़कियां जिनको घर में कैद कर लिया जाता है उन पर तेज़ाब फेंक दिया जाता है, उन पर तशद्दुद किया जाता है, तो वो खामोशी में घर बैठने के बजाय जो है वो वुमेन सेफ्टी ऐप के फीचर का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसका इस्तेमाल भी हम आपको बताएंगे। अगर हम बात करें वुमेन सेफ्टी ऐप को इस्तेमाल की, तो सबसे पहले आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद जो है इस तरह ओपन करने के बाद जो है आपको इस पर अपना नंबर ऐड करके इसको रजिस्टर्ड करवाना होगा। मेरे फ़ोन में सेफ्टी ऐप जो है वुमेन सेफ्टी ऐप इस वक्त रजिस्टर्ड है, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इस पर काफ़ी ऑप्शंस आ रहे हैं जिसमें अलर्ट 1515 पे भी आप कॉल कर सकते हैं, लाइव चैट पे भी बात कर सकते हैं, जैसे गुज़श्ता रोज़ उस लड़की ने लाइव चैट का इस्तेमाल करते हुए हेल्प ली, उसी तरह वीडियो कॉल। और मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो नीचे 1124 पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग को कॉल कर सकते हैं, 1122 रेस्क्यू को कॉल कर सकते हैं, 130 मोटरवे पुलिस को कॉल कर सकते हैं, 1991 साइबर क्राइम से भी हेल्प ले सकते हैं। तो ये ऐप जो है वो ख़वातीन के लिए एक बेहतरीन ऐप है, वो ख़वातीन जो घर में बैठी हैं घर से बाहर नहीं निकल सकती, उनकी हेल्प के लिए सबसे बेहतरीन और स्मार्ट ऐप जो है वो वुमेन सेफ्टी ऐप है। तो घर में बैठने वाली ख़वातीन, वो ख़वातीन जिनकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, वो इस ऐप के ज़रिए जो है वो इंसाफ ले सकती।